तो चलो जी अपनी यात्रा होगी सक्सेसफुल। देखो इन 7.2 किलोमीटर्स कीप लेफ्ट ऑनटू रेंसू कोटला रोड। ओके जी थैंक यू। पूरा खती है अरे इधर इधर कट रहा करो ना खती। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं शिवपौड़ी महादेव जी के वहाँ दर्शन करने। तो मौसम थोड़ा थोड़ा ऐसे ख़राब जैसा है, लेकिन कोई नहीं हम जाएंगे। टाइम भी हो गया सुबह, मतलब जल्दी निकला था, लेकिन फिर बारिश ऐसी लगी थी तो थोड़ा लेट निकलते हैं। तो अब नहा नु के रेडी हो गए और ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो हम भी निकलेंगे। ये कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो हम निकलते हैं फिर। तो चलो ये अपना हो गया पैक, निकलते हैं। ठीक है फिर, बाय 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 बाय। पहनने मैंने शूज, चाबी दी थी मैं। तो भाई अभी हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं और 8:30 हो गए हैं। अपन देखते हैं कितना टाइम लगता है। भैया ने तो डरा ही दिया था कि 2-3 घंटे लगेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 8:30 हो गए हैं, मतलब अगर 50 किलोमीटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलो देखते हैं। बाकी यार मौसम देखो, हवा चल रही है ठीक ठाक तेज, बादल भी लगे हुए हैं, बस बारिश नहीं पड़नी चाहिए वरना खज्जल हो जाएंगे। लो जी भाई एक बार फिर से पहुंच गए हैं आपको जनाब दिखाने खातिर। सवेर का व्यू देखो भाई, हवा चल रही है ठीक ठाक। देख लो भाई सवेरे सवेरे का की नजारा, इतना सोहना सोहना। तो भाई साहब चेक करो, पिछली वीडियो मैंने आपको पिछला वाला हिस्सा दिखाया था इसका, और इस बार ये देख लो अगले वाला हिस्सा। हवा चल रही है तेज ठीक ठाक। तो भाई यहाँ से है शिवपौड़ी 49 किलोमीटर। तो अभी हम पहुंच गए हैं पौनी, और ये रहा पौनी का डिग्री कॉलेज, मतलब अच्छी बिल्डिंग बन रही है यार यहाँ पे। और अभी यहाँ से शिवपौड़ी है कोई 35 रख लो। और यार रोड बड़ा थोड़ा ऐसे ही है टिड्डा मिड्डा, और है ये NH 144, लेकिन कंडीशन नहीं है वैसी। तो चलो वो दूर पहाड़ों में बारिश हो रही है, नहीं पवे ज्यादा उपर केड़ा रोड है। तो सुंदर बनी है इतना, शिवपौड़ी 24 किलोमीटर रही है वह। यो भाई इस साइड तो बारिश हो गई एक बारी। ये वाला पहाड़ चेक करो यार, बना हुआ है। तो भाई गाड़ी हमारी ऊपर ऊपर पहाड़ों वाली साइड जो है जाती जा रही है, वो जो पीछे वो नीचे वाला रास्ता, तो वहां से हम गुजर के आए हैं वो पूरे पीछे से।
सारा रास्ता कवर किया, पूरा इलाका जो प्लेन प्लेन निकल रहा है, और अब ऊपर पहाड़ों वाली साइड आ रही है गाड़ी। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे मैं, मज़ा आ रहा है पर रोड भी अच्छा है। तो चलो भाई, रियोली वाला रास्ता यहाँ पे छोड़ देना है और अब जाएंगे हम शिवकोड़ी वाली साइड। ये सारा 9 किलोमीटर दिखा रहे हैं हम, क्या पता कितना है। In 7.2 kilometers, keep left onto Ransu Kotla Road. Okay, जी, thank you. पूरा खाती है। अरे इधर जाके कटरा अगर उठा खाती है। तो यार बताते तो ये थे कि शिवगोड़ी का रास्ता बड़ा खराब है, लेकिन भाई आ गया रास्ता खराब। यार स्कैम हो गया। तो यार पीछे तो पक्का पक्का था। अच्छा आगे भी ऐसा ही होगा। लो भाई हो गया रास्ता खराब शुरू। काम तो चल रहा है, जब तक आप लोग आओगे तब तक यहाँ पे लुक पड़ गई होगी। कौन कुछ नहीं आना है तो भाई देख लो, मतलब अब मुझे हट के मैं आप कहीं भी जाओगे ना, मंदिर तो दिखेंगे ही दिखेंगे हर जगह। जम्मू जो है मंदिर वो शहर है, बाकी यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया है अभी, ज़्यादा खर्च जाएंगे उसके बाद पैदल रह गया। अब मुझे पता नहीं है इतना कि है किस साइड, लेकिन इस साइड ही होगा कहीं पे। रोड भाई रोड मैंने पहले बताया था यार, स्कैम हो गया। थोड़ी सी जगह पे इतनी तगड़ी लुक शुक डाली हुई है, देखो भाई कितने लोग जा रहे हैं वो गाड़ी। तो फाइनली गाइस वी आर इन द मान। तो चलो जी हम पहुंच गए हैं अभी यहाँ से, थोड़ा सही है मेरे को लगता है आगे से यहाँ से बसेस वगैरह यहाँ टेम्पू यहाँ पूरी जाने देते हैं। यहाँ पे ना बस स्टॉप बना हुआ है नीचे बड़ा सही है, देखो ये कहीं बस यहाँ से यात्रियों की पूरी बस जो आई थी हमारे साथ वो इधर ये नीचे ये बना बस स्टॉप जाने दे यार। तो देखो भाई क्रिकेट चल रहा है इधर, सोनी पिच, सोनी पिच बनी है। तो इस साइड से है ट्रैक पैदल वाला, जो अब पता नहीं है कहाँ जैसे होगा। तो भाई यहाँ से है मेरे को लगता है रास्ता, यहाँ से घोड़े भी मिल जाएंगे आपको, होटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे। भाई जगह तो हैगी सोनी वीरे, तो अभी हमने भैया से पूछा, उन्होंने बताया कि थोड़ा आगे जाके होगा ट्रैक शुरू। भाई इलाका तो सोना साफ सुथरा सा है भाई, आई तो है बस यहाँ पे नहीं सिफारिश वारिश। जितना दूर इतना दूर नहीं है यार। तो अब हम पार्क करेंगे बाइक यहीं कहीं पे, तो फिर यहाँ से भाई पैदल है पहाड़ों वाली तरफ उस साइड ऊपर। तो चलो भाई गाड़ी कर दी पार्क, इतने लगानी है इतने लगा यार। हाँ जी किन। तो चलो जी यहाँ से होता है हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट। आ गए यहाँ पे पहले कुछ चेकिंग वगैरह, उसके बाद फिर यहाँ इन पहाड़ों के बीचों बीच। तो गाइस चेक कर लोकेशन, वेलकम टू शिवकोड़ी होली के 3.5 किलोमीटर का रास्ता है अभी पैदल यहाँ से, तो आराम आराम से हो जाएगा 3.5 किलोमीटर। हमारे लिए कुछ भी नहीं है, नहीं मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए हो सकता है कुछ, जो भाई मोटा बंदा हैगा। हाँ जी वीरे
तो अभी हम यहाँ पहुँचे, धूप भी चढ़ गई है और थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है। बाकी आपको यहाँ से जो बंदा पैदल कम चल सकता है उन्हें घोड़ू भी मिल जूगा। कृपया घोड़े पर बैठने से पहले घोड़े वाले का पहचान पत्र देख लें। जिस घोड़े वाले के पास पहचान पत्र नहीं है उसके घोड़े पर ना बैठें। क्यों भाई, ऐसा क्या चक्कर है? गैप होने का चक्कर भी थी भैया। भैया आपको यहाँ पे ढोल वाला भी मिल जाएगा। जगह तो काफी अच्छी है यार। चीज पहाड़ देखो यार। आपको यहाँ पे पालकी भी मिल जाएगी, लेकिन मेरी समझ में पालकी वालकी 3 किलोमीटर के लिए क्या ही पालकी करनी है। चलो पैसा पैसा बोलता है भाई, पैसा। तो चलो अब आ गया दूसरा वाला ब्रिज। घोड़ा भी मिल जाएगा, पालकी भी मिल जाएगी, लेकिन इतना सा ट्रैक है 3 किलोमीटर मेरे समझ में। तो अभी हम पहुंचे थे लक्ष्मी माता मंदिर है, और मेरे को लगता है वो लास्ट वहाँ पे है जो गुफा है। देखते हैं वहाँ जाके ही पता लगेगा। यहाँ पे बंदे ने अपने घोड़े की रेल बनाई हुई है ठीक ठाक। तो भाई अब बन गया हम भक्त, सही वाले बोले बाबा। तो लग गई है और ये बस पहुंचने वाले हम थोड़ा सा रह गए। चलो जी धीरे धीरे हम भी टॉप पे पहुंचने जा रहे हैं। और भाई बारिश फिर से आ गई है, फिर से बादल लग गए हैं। पहले एकदम से धूप आई थी और एकदम से बारिश हो गई। तो भाई पहुंचन गए यार, पहुंच गए। अभी भाई थोड़ा सा रहता है। तो वो रही सामने गुफा, और मेरे को लगता है वहाँ पे फ़ोन नहीं लेने देते हैं, फ़ोन यहीं पे रखना पड़ता है। तो चलो बाहर से ही कर लो दर्शन, देखते हैं अगर कहाँ तक। और बैग वगैरह शायद यहीं रखना पड़ेगा। भाई यहाँ पे लिखा है कृपया यात्री अपना मोबाइल का बैग यहीं पे जमा करवाना। तो चलो जी हम दर्शन करके आ गए अंदर से, और यहाँ पे अपना बैग वगैरह रखा था। ये इधर मतलब क्लर्क रूम लॉकर वगैरह मिल जाएंगे आपको और फ्री में। बाकी यार अंदर क्या जगह है कसम, मतलब वहाँ पे फ़ोन लेना अलाउ नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता यार, मतलब आपको अगर ऐसी जगह दी तो खुद ही आना पड़ेगा भाई। जगह थी यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मैंने तो भाई ज़िंदगी में पहली बार देखी है यार। इतना मतलब आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं था, सब नेचुरल था। और मैं आपको यहाँ से बाहर से दिखा देता हूँ गुफा यार, क्या ही बताऊँ। मतलब देख सकते हो पीछे कितना बड़ा पहाड़ है, और इस पहाड़ के अंदर है वो पूरी गुफा यार। तो समझे मतलब मेरे को ऐसे यकीन, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार। देख लो यार ऊपर ऊपर देख लो आप, और वो रही गुफा अंदर। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मेरे को खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं। और फिर वहाँ से अंदर जाते हैं और वहाँ से बाहर है, पूरे पहाड़ के अंदर अंदर से घूम के आना यार, कसम से मतलब माइंड ब्लोइंग यार। मैं तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ अंदर, और इतनी मस्त है। मतलब शुरू से आपको एंट्री यहाँ पे, फिर मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से जा रहे हैं ना अंदर, यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे खुली जगह है,
और इतनी सुंदर जगह, मतलब पहाड़ देख लो बाकी आप, ऊपर पहाड़ देखो। वहाँ से बाहर आने का रास्ता है ना, यहाँ से अंदर जाने का। और अंदर यार क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतना सुंदर नज़ारा कहीं पे भी नहीं देखा यार मैंने। ओ भाई बारिश देखो किस तरह की पड़ी है घर। ओ भाई घर कैसे पहुँचे क्या देखो यार बारिश, ये मौसम की बारिश है भाई। तो भाई अभी हम कर रहे हैं लंच, भाभी ने बना के दिया था सारा कुछ भाई, बड़ा स्वाद लग रहा है इधर, बड़े बड़ी है बारिश, अचार भिंडिया मज़ा आ रहा है। और देखो बाहर बारिश, तो बड़े ज़्यादा लोग आए हैं अभी यार रश में ठीक ठाक। तो अब करते हैं लंच और निकलते हैं फिर नीचे घर के लिए। तो चलो भाई लंच भी हो गया, दर्शन दर्शन भी हो गए सब कुछ, अब निकल रहे हैं हम वापसी। और ना बारिश भी थोड़ी थोड़ी कम हुई है, तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम नीचे पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे थोड़ा कच्चा रोड है। तो भैया आते टाइम तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अब देखो आप रश, जैसे मेरे को लगता है ना लोग वैष्णो देवी से उसके आते हैं यहाँ पर, तभी दोपहर को इतना रश पड़ता है। तो चलो जी अपनी यात्रा होगी सक्सेसफुल, देखो रश बाकी अब। तो चलो भाई पहुंच गए हम अपनी बाइक के पास, और बाकी पहले अंदर पार्किंग में लगाया था, वहां पे 60 रुपये बोल रहे थे, और ना फिर बाहर गली पार्क चलते हैं अब घर, हर हर महादेव आएंगे फिर से। बाकी देख लो अब रश ठीक ठाक हो गया। तो भाई अभी हम पहुंचे प्योनी, प्योनी उस जगह का नाम है यार। यहाँ की मेरे को ना एक चीज़ बड़ी सही लगी, यहाँ भी सिटीज़ में मतलब पूरे शहर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम। हमारे उधर देखो पहन चो गांधी गांधी डाल। तो चलो भाई पहुंच गए चिनाब के पास, मोटा यहाँ से मार रहा था शाल लेकिन डर गया, हम आए सीधे रास्ते से कोई गेड़ी। ओ भाई मन तो मेरा भी पूरा है भाई राफ्टिंग करने का, पर मेरे साथ जो मोटा है ना ये डरता बहुत है। देख लो भाई गाड़ी कैसे जा रही है इनकी, तो यो भाई स्वाद ले रहे हैं भाई घना स्वाद। देख लो मोटे ने गोप्रो होता लैता पता होगी, पर जो राफ्टिंग वाला बंदा नहीं एह होता है। यो भाई तो चलो भाई हम भी थोड़ा इधर बैठ के करते हैं एंजॉय भाई, ये तो काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं चिनाब के बिल्कुल पास, और भाई पानी है यहाँ का ठंडा, और यहाँ पे चल रहे चाउमीन नहीं चलाते भाई, पानी बड़ा ठंडा यार, नज़ारे आ रहे हैं भाई पूरे। तो मसा मसा भी घर पहुंचे थे हम रात, फिर हमने इनको काम लगा दिया ठीक है ना। तो हमने कौन सा भाई रोज रोज गाना है ना, बित्तू भैया ने भी मेरी हेल्प कराई। बाहर लगी है बारिश और इधर बन रहे पकौड़े, वैसे बारिश में खाने का मन तो करता है और स्वाद भी बड़ा लगता है ना। मैं करती हूँ रुको रुको रुको।